आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, ये आप लोगों की लाइफ को बदल देगा। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और सुने। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक वाक्य को समझना होगा। ये वाक्य हमें बनी इसराइल के उस दौर में ले जाता है जहाँ बनी इसराइल का बादशाह तालूत हुआ करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर उस वक्त काफिर बर्बर हुकूमत करते थे और उनके बादशाह का नाम जालूत था। काफिर बादशाह अपना लाओ लश्कर लेकर बनी इसराइल पर हमला आवर होता है। जालूत कॉन्कर करना चाहते थे और कब्जा करना चाहते थे बनी इसराइल पर, और ये जंग ईला की वादी में रखी गई थी। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी। एक फौज को दूसरी फौज से लड़ने के लिए पहले एक गहरी वादी में उतरना पड़ता और फिर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ना पड़ता, जो कि क्लियरली एक सोसाइट थी। तो दोनों फौजें एक दूसरे का इंतजार करती नहीं, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। तो फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि पहले ड्यूल यानी कि सिंगल कॉम्बैट होगी। पुराने जमाने में एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि दोनों साइड्स अपना बेस्ट फाइटर भेजती थी और उसके बाद आम जंग होती थी। जब ड्यूल का फैसला हुआ तो काफिरों की तरफ से जालूत, जो कि खुद बादशाह था और उसे अपनी ताकत और दहशत पर इतना गुरूर था कि वो खुद मुकाबले के लिए निकल आया। जालूत बहुत बड़ा पहलवान था और उसका कद तकरीबन 7 फुट लंबा था। वो पूरा का पूरा जायंट फाइटर था। उसके साथ उसका हेल्पर भी था जिसने उसकी ढाल को संभाला हुआ था। जालूत को अंग्रेजी में गोलायत पढ़ा जाता है। जब जालूत वैली में उतरता है तो बनी इसराइल की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मुकाबला कर सके? भेजो उसे जो मुझसे लड़ना चाहता है। अगर उसने मुझे हरा दिया तो हम तुम लोगों के गुलाम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे फाइटर को हरा दिया तो तुम इसराइलियों को हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। बनी इसराइल के सारे फाइटर्स उस जायंट को देखकर डर गए और उनमें से कोई भी जायंट से लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस जायंट से लड़ना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। ये देखकर बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत को शिकस्त देगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। तो एक लड़का जो कि हुलिये से चरवाहा मालूम होता था आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं इससे लड़ूंगा। तो तालूत ने कहा, नहीं, तुम तो सिर्फ एक छोटे से लड़के हो और वो एक जायंट मॉन्स्टर है। लड़के ने तालूत की एक भी न सुनी और जमीन से 5 पत्थर उठाकर अपने पाउच में रख लिए और वादी में उतर गया उस जायंट जालूत से लड़ने के लिए। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो अभी नबूवत से सरफराज भी नहीं हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अपनी लाठी लिए नीचे उतरे तो वो जालूत की तरफ बढ़ने लगे और जालूत ने जब उन्हें देखा तो चिल्ला कर कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो मुझसे लड़ने के लिए ये लाठी ला रहे हो? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। तो फिर जो हुआ वो कुछ अलग ही था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर निकाला और स्लिंग के लेदर पाउच में डाला और जोर जोर से घुमाकर जालूत को दे मारा। वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर जा लगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत पर चढ़ दौड़े, उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। काफिरों ने जब ये देखा तो वो सभी के सभी डर कर भाग गए। तो जंग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जीत गए, जिनसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी जीत सकते हैं। ये एक फेमस स्टोरी थी डेविड और गोलायत की। इसमें डेविड हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है और गोलायत जालूत है। और अगर सच पूछो तो हकीकत ये है कि एक्चुअली शुरू से ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जीतने के चांसेस ज्यादा थे। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस। कदीम जंगों में 3 टाइप्स के लोग हुआ करते थे। पहला कैवेलरी यानी कि घुड़सवार, दूसरा इन्फेंट्री। इन्फेंट्री वो सोल्जर्स जो आर्मर और स्वॉर्ड से पैदल लड़ा करते थे, जैसे कि जालूत। तीसरा प्रोजेक्टाइल वॉरियर्स, वो जो लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक करते हैं, जैसे कि आर्चर और स्लिंगर, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। कैवेलरी बड़े आराम से प्रोजेक्टाइल वॉरियर्स को हरा सकते हैं और इन्फेंट्री हरा सकते हैं कैवेलरी को, और प्रोजेक्टाइल वॉरियर्स खतरनाक हैं इन्फेंट्रीज के लिए। तो इस वाक्य में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक प्रोजेक्टाइल वॉरियर थे और जालूत एक इन्फेंट्री वॉरियर, और इन्फेंट्री कभी भी प्रोजेक्टाइल से नहीं जीत सकते। जब जालूत कह रहा था कि कोई है तो आए सामने, तो यूं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई उसी के जैसा इन्फेंट्री आएगा जो उसका मुकाबला करेगा, लेकिन वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे वॉरियर के लिए तैयार नहीं था। तो इस वाक्य से महसूस होता है कि जालूत बेहतर पोजीशन पर था, लेकिन उसका भारी आर्मर, ताकत से भरपूर तलवार और ढाल कुछ भी उसके काम ना आ सका, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भारी थे जालूत पर, क्योंकि वो एक प्रोजेक्टाइल वॉरियर थे जिन्हें जालूत एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए जालूत के बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। इस वाक्य में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है जो हमें ये सिखाता है कि जिन चीजों को हम अक्सर ताकतवर और बहुत बड़ा समझते हैं वो एक्चुअली में उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। ऐसी ही गलतियां हम अपनी लाइफ में हर जगह करते हैं, जैसे कि आपकी जॉब, स्टडी और बिजनेस। हम अपनी लाइफ में रुकावटें फेस करते हैं और हमें लगता है कि इन्हें डिफीट करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन ये बुक हमें दिखाती है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है। जो रुकावटें हम रोज फेस करते हैं, पहली नजर में तो हमें वो जायंट लगती हैं और हम उनके आगे अपने आप को अंडरडॉग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी फील्ड में कितने छोटे हैं, बस कोशिश और मेहनत करते रहो तो आखिर में तुम भी एक जायंट बन जाओगे। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको डेविड एंड गोलायत बाय मैल्कॉम ग्लैडवेल से बताई हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।